बहुत लोग परेशान है कि इनका बाजार रुक क्यों नहीं रहा है। ये ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेल देव जी का वंशज है, जो पताल में जैसे अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को पतालपुरी ले गया था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी पतालपुरी से निकालने की, अगर हिम्मत पड़ी तो हनुमान जी की हिम्मत पड़ी और पताल से निकाल ले आए। उसी तरह हनुमान जी का वंशज ये राजभर, हनुमान जी का वंशज ये राजभर पताल में महाराजा सुहेलदेव जी का इतिहास खड़ा था, पताल से निकाल करके जमीन पर ला करके हम लोगों ने खड़ा कर दिया। बोलो सही बात है गलत है? कितने लोगों को सही है हाथ उठाओ, सही है ना? और दूसरी बात सुनो, देखो आज हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, हिस्सेदारी ना में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि जो विमुक्ति जाति थी 19 जातियां थी और 17वें नंबर पे भारत था, शेष जातियां कुछ अनुसूचित जाति में चली गई, कुछ जनजाति में, ये भर छूट गया, ये भर जाति छूट गई, इसलिए हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया, विधानसभा के जो 8वीं लोक विधानसभा थी उसमें प्रस्ताव पास हुआ था, सारे साक्ष्य लेकर के जब मुख्यमंत्री से मिला तो मुख्यमंत्री ने सहमति जताई कि ये प्रस्ताव हम जल्द ही दिल्ली भेज देंगे, ये उत्तर प्रदेश से सिर्फ प्रस्ताव भेज सकते हैं, यहां से हम काम नहीं कर सकते। हमने कहा प्रस्ताव को भेजना है, आप महोदय भेज रहे हैं, आप भी थोड़ा जोर लगाओ, हम भी थोड़ा जोर लगा रहे हैं, दिल्ली से भी एसटी में शामिल हो जाए, ताकि ये थाने पर सिपाही नहीं बन पाते हैं, जिस दिन एससी एसटी में शामिल हो जाएंगे उसी दिन शिक्षा में ये ऊंचे पर बड़े पैमाने पर शिक्षा हासिल करेंगे और थाने पर सिपाही दरोगा भी बन के आना शुरू हो जाएंगे। इस बात को लेकर मिला, दूसरा काम था भू माफिया के नाम पर, भू माफिया के नाम पर